दोस्तों HP 260 G3 DM बिजनेस PC है और ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हीट सिंक रिमूव कर दिया और ये जो हार्ड ड्राइव की केस होता है उसको भी रिमूव कर लिया। तो ये जहाँ से मेन पावर हम कनेक्ट करते हैं 19 वोल्ट का, तो देखिए ये रहा VRM सेक्शन इसका। तो इसको हम चेक करेंगे बजर मोड पे। तो इसमें देखिए ये कुछ मॉसफेट और VRM सेक्शन में लगे हुए हैं, इस साइड में भी आप देखेंगे। तो ये सब कुछ आपको चेक करना है, किसी पे भी जीरो वैल्यू के साथ नहीं आना चाहिए। तो फिलहाल मल्टीमीटर में भी हम लगाते हैं और चेक करते हैं तो क्या इम्पीडेंस आता है। पहले अपना मल्टीमीटर की वैल्यू देख लेंगे इम्पीडेंस की। तो अभी हमारा ठीक ही आ रहा है ऑलमोस्ट। कई बार हमारा मल्टीमीटर के हिसाब से भी इम्पीडेंस ज़्यादा कम ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए अभी तो ठीक आ रहा है लगभग, लेकिन कम ज़्यादा भी हो रहा है। तो लाइट भी आ गई हमारी, तो इसको दोबारा लगाते हैं। बैटरी भी डिस्चार्ज होता है, देखिए तब एक आ रहा है। तो यहाँ पे कैपेसिटर लगे हैं छोटे से कंपोनेंट, जूम करता हूँ। तो यहाँ देखिए इनको चेक करेंगे, ये देखिए बीप कर रहे हैं और जीरो वैल्यू के साथ बीप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जीरो वैल्यू के साथ बीप कर रहे हैं और ये बजर आ रहा है, बीप आ रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ठीक करेंगे। तो इनको अब मैंने इस मॉसफेट को चेक किया, तो ये मॉसफेट भी बीप नहीं कर रहा, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है इस मॉसफेट में। और इस मॉसफेट को भी मैंने चेक किया जो VRM में लगे हुए हैं, देखिए ध्यान से, तो कोई भी बीप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ ओके हैं और ये सब कोई भी बीप नहीं कर रहा है, ये देखिए ये भी। तो ऑलमोस्ट हो सकता है इन VRM सेक्शन में ये 4-5 कैपेसिटर खराब हो। तो फटाफट निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये हम निकाल लेते हैं यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर हैं। ये निकल गया और ये निकल गया। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने निकाल लिया यहाँ पे। उसके बाद से अब हम इसको चेक करेंगे अगेन कि हमारा जो शॉर्टिंग है वो हटा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग रिमूव हो चुकी है, कोई बीप नहीं आ रहा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे। तो जो कैपेसिटर हमने दो निकाला है इसको चेक करते हैं कौन सा शॉर्ट है इसमें। तो यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अब देख सकते, लेकिन ये एक शॉर्ट है, देखिए एक कैपेसिटर शॉर्ट है जीरो यहाँ पे वैल्यू के साथ, यहाँ पे बीप आ रहा है। ठीक है, ये देखिए शॉर्ट है। ठीक है, ओके, तो आप देख सकते हैं। तो ये शॉर्टिंग हमारा यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब चलिए हम इसको लगा के देखते हैं ऑन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अभी हम एडाप्टर को कनेक्ट कर लेंगे इससे, अब चेक करेंगे ऑन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक लाइट भी है VRM सेक्शन में। तो अभी भी स्पार्क किया है, लेकिन अब वोल्टेज अब आगे चेक करते हैं कोई और भी शॉर्टिंग तो नहीं है। तो वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी शॉर्टिंग स्पार्क तो किया है VRM का, शॉर्टिंग जो है हमारा हट चुका है, बट वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है वो देखना होगा। और भी कई बार तो 19 वोल्ट यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, देखिए। ठीक है, 19 वोल्ट प्रेजेंट हो गया, अब ऑन करके हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जो CTU फैन वगैरह है उसको सबको लगाएंगे और ये फिर यहाँ पे कैबिनेट में हम देखेंगे पावर बटन इज बिहाइंड ऑफ ये रहा हमारा इसका पावर बटन। अब देखिए यहाँ से ऑन करके ट्राई करेंगे। तो अभी प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे पावर बटन होता है। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली ऑन हो चुका है, CPU भी हीट हो रहा है। अब हटा लेते हैं इसको, देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइट भी आ चुकी है, ये देखिए। ठीक है, और प्रोसेसर भी हीट हो रहा है। तो अभी आपको हम दिखाते हैं लगा के हीट सिंक वगैरह, डिस्प्ले भी हमारी आ जाएगी। तो यही केस था हमारा और ये सॉल्व हो चुका है, इजीली हमने फिक्स कर दिया इसको। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल से और वीडियो को शेयर कीजिए दबा के ऐसे टेक्निकल फॉल्ट देखने के लिए। तो इसमें ज़्यादा समय ना लेते हुए हमने
सॉल्यूशन आपको बता दिया, और वीडियो भी ऑलमोस्ट 5 मिनट की हो चुकी है। अब चलिए हम लगा के वीजीए केबल वगैरह भी देखते हैं। सॉरी, तो ये हमारा वीजीए कनेक्ट कर लिया और एडाप्टर लगा लिया। और यहाँ से ऑन कर लेंगे, तो इसको जूम आउट कर देते हैं जिससे आपको क्लियरली दिख जाए। तो ये ऑन हो चुका है, अब देखेंगे। और यहाँ पे मैंने वीजीए केबल भी लगा रखा है। डिस्प्ले आएगी नहीं आएगी अभी पता चल जाएगा विद इन अ मिनट। तो देखिए यहाँ पे बीप कर रहा है रैम का, और डिस्प्ले भी नहीं आ रहा है। तो हो सकता है हमारा रैम ख़राब हो। देखिए बीप आ गया, अब रैम को चेंज कर दिया, इस केस में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो दोस्तों, हमने सोचा कि इसमें पेस्ट भी लगा लेते हैं, इसको थोड़ा सा इरेजर से साफ करके भी लगा के ट्राई करते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले भी हमारा आ जाना चाहिए। तो फिलहाल जो हमारा ये है, देखिए इस एंगल में लगा हुआ था हमारा जो, और उसके बाद से यहाँ पे सिस्टम सीपीयू फ़ैन भी लगा हुआ था। तो सीपीयू फ़ैन आई थिंक इस तरह से लगा होगा, जो भी है ऐसे इस तरह से लगा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से ही लगा लेंगे, ये देखिए। और उसके बाद से कनेक्ट करके देखेंगे। ओके, तो अब इसमें हम लगाते हैं दोबारा से, ऑन करके देखते हैं। तो ये फ़ैन चलने लगा है, देखते हैं, वेट करते हैं क्या स्टेटस है। तो अभी तक फ़िलहाल कोई डिस्प्ले नहीं आई, अभी देखिए बीप कर रहा है, तो यानी कि हमारा रैम ख़राब है। वेट करते हैं रैम आने तक, फिर देखिए यहाँ पर रेड लाइट दे रहा, रैम आ जाए दूसरा लगा के दिखाते हैं। तो सो फ्रेंड्स, इसमें हम अब रैम हमने दूसरा मंगा लिया, अब इसको रिप्लेस करके देखते हैं कि क्या स्टेटस है इसका, नहीं तो सेम रैम मंगाना होगा हमें सेम फ्रीक्वेंसी का। देखिए 200666 है, 2666 है। तो अब इसमें हम लगाएंगे एप्पल मैकबुक का DDR4 का रैम, और बढ़िया से फिक्स करके देखेंगे। अब ऑन करते हैं दोस्तों, ऑन हो गया, फैन चल रहा है, वेट करते हैं। तो अभी भी डिस्प्ले नहीं आया, तो अभी भी बीप कर रहा है। तो हमें सेम रैम मंगा के देखना होगा कि क्या इसका है, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी, ये है 20, ये है आपका 1264 है। तो इसमें अलग है, ये मैकबुक का ही है हमें पता है, क्योंकि हमने ये निकाला था लास्ट टाइम। 2400T है ये PC4, 2400T। तो 2600 में लगा कर देखना होगा, फिर डिस्प्ले आ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमने देखा कि नॉट टर्निंग ऑन का, आपने देखा कि नॉट टर्निंग ऑन का कैसे इशू फिक्स किया, और ये इसका बोर्ड नंबर, पार्ट कोड।